नीमच जिले के नए औद्योगिक क्षेत्र से चर्चित अग्रवाल सोया कंपनी का एक और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। इस बार कंपनी के मालिक दीपक सिंघल ने 200 करोड़ का घोटाला किया है। इसमें पहले अग्रवाल सोया के मालिक दीपक सिंघल का नाम मादक पदार्थों की तस्करी, टैक्स चोरी तथा टेरर फंडिंग के मामलों में पहले भी आ चुका है। वहीं अब उज्जैन की ईओडब्ल्यू टीम ने इस पर 200 करोड़ का घोटाला करने का खुलासा किया है। ईओडब्ल्यू ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच की अग्रवाल सोया कंपनी ने 36 बोगस फर्म बनाकर व्यापार दर्शाया और 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। इस तरह करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर गबन धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस किया है। 2 साल पहले की गई शिकायत में जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने शिकायत करने वाले इंदौर के बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है। बता दें कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड दीपक सिंघल है, जिसने शातिराना तरीके से फर्जी फर्म बनाई और सभी का अलग अलग व्यापार दर्शाया। साल 2015-2016 में दीपक तस्करी के मामले में हरियाणा की पानीपत जेल में भी करीब 2 साल बंद रहा। वहीं अग्रवाल सोया पर 2 बार जीएसटी टीम सर्वे कर चुकी है, जबकि पिछले महीने 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुलासा किया था।